नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, आप लोगों की लगातार क्वेरीज आ रही थी कि यूपी टेट 2018 के लिए सर्टिफिकेट कब पीएनपी के द्वारा जारी किया जाएगा और इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट का वितरण पीएनपी द्वारा कब किया जाएगा। तो इन दोनों मुद्दों को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज दिनांक 8 फरवरी 2019 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर बीटीसी 2015 बैच के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे। बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट के निर्गत के संदर्भ में, दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के मुख्य सचिव जी से वार्ता के अनुसार यह बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि सभी डाइट्स पर बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट निर्गत किए जाने का कार्य प्रगति पर है और जल्द से जल्द सभी डाइट्स पर बीटीसी 2015 बैच के मार्कशीट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वहीं मैं बात करूं यूपी टेट 2018 के सर्टिफिकेट की, तो अभी उसमें 1 हफ्ते से 10 दिन का समय और लग सकता है, जैसा कि पीएनपी के द्वारा जानकारी दी गई है। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 10 दिन के अंदर आपके संबंधित जिले के डाइट से आपको यूपी टेट 2018 का मार्कशीट अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों, आपने जिस जनपद से अप्लाई किया था यूपी टेट 2018 में आवेदन, उसी जनपद के डाइट से आपको आपका यूपी टेट 2018 का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।